नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं। जादू से शिवराज मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार कब होगा, ये सवाल हर किसी के मन में है और इसको लेकर जो है बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के लिए क्या है बड़ी खबर, क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो सिंधिया समर्थक जो है अब बीजेपी खेमे से नाराज चल रहे हैं और इसी को लेकर विस्तार जो है अब तक पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है, इसको लेकर क्या बड़ी खबर है बता दें। मध्य प्रदेश की पूरी राजनीति जो है 22 जो बागी विधायक हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के आसपास ही यहां पर दिखाई दे रही है, इसको लेकर बड़ी खबर है, क्योंकि आने वाले चुनाव ही इसी क्षेत्र से ज्यादा सर सीटें आती हैं और इसको ध्यान में रखते हुए अब बीजेपी कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार करने जा रही है, इसको लेकर क्या है पूरी खबर आपको दिखाएंगे। इसके अलावा बात की तो 5 मंत्रियों ने शपथ पहले ले चुके हैं, जिनमें नरोत्तम मिश्रा जो कि यहाँ पर मुख्यमंत्री के दावेदार माने जा रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पर तुलसी सिलावट जो कि कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में शामिल हुए थे, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा कमल पटेल जो कि बीजेपी यहाँ पर विधायक रहे हैं, वो काफी बड़े चेहरे माने जाते हैं। गोविंद सिंह राजपूत जो कि यहाँ पर कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में आए, उन्हें भी मंत्री बनाया गया था। और यहाँ पर मीना उमरिया दिल्ली से यहाँ पर आती हैं, तो ये कुछ 5 नाम यहाँ पर मंत्रिमंडल में शामिल हुए। लेकिन सवाल ये है कि सिंधिया अपने खेमे से 10 मंत्री चाहते हैं, उनके कौन कौन से नाम होंगे। और इससे पहले यहाँ पर कमलनाथ सरकार ने भी सवाल रखा है और सवाल में साफ तौर पर कहा है कि आने वाले समय में वो ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इसको लेकर क्या बड़ी खबर है, क्या जो पूरा खेल है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पाले में है या नहीं, इस पर क्या कहती है कांग्रेस की राजनीति। बता दें आपके लिए कि यहाँ पर जो खबरें हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं, जिनमें अगर बात करें तो सिंधिया समर्थकों के लिए जो यहाँ पर सिंधिया है अपने खेमे से 10 मंत्री पद चाहते हैं, जिनमें अगर बात करें तो 6 जो यहाँ पर कांग्रेस से निकल कर आए थे मंत्री, उनको तो मंत्री दिया ही जाना चाहिए पद। इसके अलावा 4 और यहाँ पर विधायकों को मंत्री की मांग करें, क्योंकि पूरा जो खेल था कांग्रेस के लिए वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर मंत्री न मिलने के कारण जो 22 थे वो यहाँ पर निकल कर आए कुछ मांगों को लेकर भी, क्योंकि उनकी मांगें सुनी नहीं जा रही थी, उसको लेकर वो है बीजेपी में शामिल हुए। और इसी को वो मुद्दा बनाकर सिंधिया अब बीजेपी से मांग भी कर रहे हैं कि उनको उन्हें काम करने का यहाँ पर मौका मिले तो उन्हें मंत्री पद यहाँ पर दिया जाना चाहिए। जिनमें अगर बात करें तो राजवर्धन दंती गांव का नाम मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। और यहाँ पर अगर बात करें तो आदिवासी चेहरा बसंतलाल सिंह, अदीप सिंह डंग, एलएल सिंह कसाना, तो 6 और 4 यहाँ पर ये नए नाम जो निकल के सामने आ रहे हैं। इसके अलावा अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी खेमे से कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, क्योंकि अगर बात करें तो बीजेपी में भी काफी बड़े चेहरे अब मध्य प्रदेश से निकल कर आते हैं, जिनमें अगर बात करें तो गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा और भूपेंद्र सिंह, ये वो बड़े नाम है जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जाते हैं। अगर इसमें बात करें तो नरोत्तम मिश्रा को मंत्री बनाया गया, लेकिन गोपाल भार्गव और यहाँ पर भूपेंद्र सिंह जो कि बड़े नाम है, उनको अभी तक मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो कई और नाम निकलकर सामने आ रहे हैं जिन्हें मंत्री बनाना यहाँ पर चाहती है बीजेपी, लेकिन लिस्ट जो है वो कई बार बनती है, बिखर रही है, क्योंकि एक तो यहाँ पर इस प्रकार का संकट मध्य प्रदेश के अंदर, उसको लेकर यहाँ पर पूरी तरह से जो मीटिंग आयोजित नहीं हो पा रही है। इसके अलावा जो नाम है वो काफी चर्चित नाम है, कई ऐसे विधायक हैं जो लगभग बीजेपी खेमे से 4 या 5 यहाँ पर बार जीत कर आए हैं, उन्हें भी मंत्री पद की उम्मीद है। और इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो अन्य दल से भी यहाँ पर कुछ नाम निकल कर आ रहे हैं, जिनमें अगर बात करें तो रामबाई जो कि मंत्री पद की मांग कर रही हैं, अन्य जो यहाँ पर समर्थन दिया था बीजेपी ने फ्लोर टेस्ट के दौरान। इसके अगर बात करें तो बीजेपी खेमे से विश्वास सारंग भी राज्यमंत्री से कैबिनेट मंत्री का दर्जा पा सकते हैं, संजय पाठक को भी राज्यमंत्री से कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, ये बीजेपी खेमे के नाम है। जालम सिंह पाटिल को भी कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, अरविंद भदौरिया को मंत्री पद से यहाँ पर नवाजा जा सकता है। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय कोटी से कमल पटेल को पहले ही यहाँ पर मंत्री बनाया गया, ये बड़ी खबर उनके लिए हो सकती है। इसके अलावा कुछ और यहाँ पर मंत्री चाहते हैं वो, विंध्य रीजन से राजन शुक्ला दावेदार, बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। केदार सुल्तान, नागन सिंह और ग्रीष गौतम में से किसी एक को मिल सकता है मंत्री पद। भोपाल से रामेश्वर वर्मा, मोहन यादव, यशपाल सिंह सिसोदिया, मीना वर्मा दावेदार भी यहाँ पर बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात की तो मध्य प्रदेश के लिए आने वाला समय काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है शिवराज सरकार के लिए, क्योंकि एक तरफ अपने विधायकों को मनाना होगा, क्योंकि कुछ ऐसे नाम है जो कि काफी चर्चित हैं उन मंत्री पद। इसके अलावा आने वाले चुनावों के लिए भी यहाँ पर जो 24 सीटें हैं उन पर यहाँ पर टिकट को लेकर भी काफी यहाँ पर असमंजस की स्थिति
बनी हुई है मध्य प्रदेश के अंदर। अगर बात करते हो 24 सीटों पर होने वाले चुनाव जून माह में हो सकते हैं, तो आपको क्या लगता है क्या मध्य प्रदेश के अंदर आने वाले समय में जो है उपचुनाव को लेकर जो कांग्रेस यहां पर वादा कर रही है, दावा रख रही है कि आने वाले समय में उनकी सरकार बनेगी, तो क्या कांग्रेस 24 सीटों में से कितनी सीट जीतकर अपनी सरकार बना लेगी, या फिर जो मंत्री पद का पैच फंसा हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर उसको लेकर बीजेपी बिखर जाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। और इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।